अलवर के स्वरूप विलास होटल में कांग्रेस कमेटी की मेरा गौरव मेरा बूथ पर मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पूर्व भंवर जितेंद्र सिंह और अलवर सांसद करण सिंह यादव की मौजूदगी में यह मीटिंग हुई। करण सिंह यादव ने बताया कि पूरे राजस्थान में हमारे संगठन को मजबूत करने और हर बूथ तक मजबूत पकड़ बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे इस अभियान की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान वहां मौजूद अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। देखिए, अगले चुनाव की तैयारी में हमारा जो बहुत सफल कार्यक्रम रहा अलवर में, पहले मेरा बूथ मेरा गौरव, जिसने 2,00,000 वोटों से अलवर में कांग्रेस को जिताया, उसी पैटर्न पे अब हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। और आज बहरोड़, थानागाजी, राजगढ़, रामगढ़, इन क्षेत्रों के जो वहाँ के नेता हैं, सारे हमारे पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, पार्टी के राज्य स्तरीय सदस्य हैं, उनकी भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली, माननीय जुबैर साहब के सान्निध्य में हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। और उसमें ये तय किया गया है कि हम इस मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हमारे जो इस बार नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक जिनकी संख्या इस बार बढ़ाई गई है, जैसे बहरोड़ में पहले 2 थे तो बहरोड़ में 7 हैं, एक तरह से छोटा दायरा किया गया है जिससे कि विस्तृत रूप से हर गांव में पहुंच सके। तो हमारे ये सभी पदाधिकारी नेता हर गांव में जाएंगे, गांव के लोगों के साथ में बैठ करके वहां की बूथ कमिटीज़ बनाएंगे, वहां हमारे जो पहले से ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो सही काम कर रहे हैं तो उनको साथ रखेंगे, दूसरा किसी को जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, नए जो वोटर्स बनने वाले हैं 18 साल की उम्र जिन्होंने पार की है उन लोगों को उसमें शामिल करेंगे। और पार्टी की सदस्यता अभियान भी अब नया सत्र चालू हो रहा है तो उसको भी प्रारंभ करेंगे। और मूलतः जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संगठन की दृष्टि से मजबूत बताने की कोशिश करती है, पिछले चुनाव में भी उन्होंने दावा किया कि हमारे तो हर पन्ने का एक प्रमुख है, वो पन्ना प्रमुख मांडलगढ़ में धरा रह गया, वो पन्ना